हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, मजे में हैं। तो आज मैं पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसमें क्या क्या चाहिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने 2 टमाटर काट रखा है, शिमला मिर्च काट रखा है, 1-2 गाजर है और 500 ग्राम हमारा पनीर है। उसके बाद चलिए मसाला रेडी कर लेते हैं। मैं जार में पीस लूँगी, इसे पेस्ट बना लूँगी। तो 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च आपको लेना है। उसके बाद 2 जो रेड चिल्ली आती है वो लेना है, खड़ा मसाला। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लेना है, गोटा धनिया। उसके बाद 4 से 5 आपको लहसुन की कलियां ले लेनी है, जो सूखी वाली आती है वो ले लेना है। उसके बाद पेस्ट बनाने के लिए आप थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, ज़्यादा भी पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो अच्छा पेस्ट बनाने के लिए अच्छा पानी होना ज़रूरी है। तो देखिए हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, अच्छा सा प्यूरी बन चुका है, पेस्ट बन चुका है। उसके बाद हम लोग कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम। 1 टेबल स्पून भरकर हल्दी ऐड करेंगे और सबको मिक्स कर देंगे, क्योंकि मसाला फूलेगा थोड़ी देर के लिए, तो उसे इसी मसाला में ऐड कर देंगे और हमारा बढ़िया सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए आगे की कहानी देख लेते हैं। उसके बाद हमें 1 इंच अदरक चाहिए और 4 से 5 हरी मिर्च चाहिए। इसे अच्छे से कूट लेंगे, कूट कर रख लेंगे। उसके बाद कढ़ाई को गर्म कर लेंगे मीडियम। 5 टेबलस्पून आपको सरसों ऑयल ऐड करना है। आपको मीडियम फ्लेम में ही सब कुछ रखना है, ऑयल मीडियम फ्लेम में ही हीट करना है। उसके बाद जो हमने पनीर काट रखा है उसे ऐड करेंगे। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करना है। जब ये अच्छा सा सुनहरा रंग का आ जाएगा उसके बाद इसे निकाल लेंगे कढ़ाई से। तो देखिए हमारा पनीर जो है वो भून चुका है अच्छे से, इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सुनहरे रंग का हो गया, तो इसे निकाल लेंगे। पनीर को निकालने के बाद तेल देखिए हमारा अभी भी बहुत सारा तेल बचा हुआ है, तो अगर आपका तेल कम हो जाएगा तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं होगा तो उसी में हमें प्याज को भूनना है। तो मैंने प्याज देखिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट रखा है, इसे ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। प्याज हमारा देखिए अच्छे से भून चुका है, उसका कलर चेंज हो गया, वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। उसके बाद जो हमने अदरक और हरी मिर्च को कूट रखा है उसे ऐड करेंगे और उसे अच्छे से 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। देखिए आपको हर चीज़ मीडियम फ्लेम में ही भूनना है, इससे क्या होगा कि आपका जितना भी इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से पकेगा, उसका जो टेस्ट है वो अच्छे से बाहर आएगा, उसका जो ऑयल है वो बाहर निकलेगा, ठीक है? तो उसे अच्छे से भूनना है। उसके बाद आगे का सीन देखिए आगे क्या होता है। एक तरफ रू है, एक तरफ बहू है और मैं बीच में फंस गई हूँ। क्या रुक से काट आई तू गली लौकर आपने। और जो हमारा प्याज है वो भी अच्छे से भून चुका है, जो मिर्च हमने ऐड किया तो वो सब। तो चलिए अब जो हमने गाजर काट रखा है, 2 मैंने गाजर लिया है उसे काट रखा है, अब इसे भी ऐड करेंगे। और इसके बाद इसे चलाने के बाद जो हमने शिमला मिर्च काट रखा है, आपको बड़ी साइज की 1 शिमला मिर्च लेनी है, उसे काट लेना है, फिर उसे भी काट कर इसी में ऐड कर देना है। और ये लोग दोनों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये लोग स्मूथ होता है, जल्दी पक जाता है। तेलों को ऐड कर लेंगे और 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम में। इसमें आपको 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम सॉल्ट भी ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हर चीज़ आपको अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करना है। तो सॉल्ट ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट और भूनेंगे अच्छे से। और अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए फॉर दी नोटिफिकेशन, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
हमारी सब्जी जो है वो फ्राई हो चुकी है तो उसे निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद आपको 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल और ऐड करना है मसाला भुनने के लिए। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हमें 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करना है। उसके बाद थोड़ा सा 1/4 भर हमें हींग ऐड करना है। हींग अच्छा होता है हेल्थ के लिए। उसके बाद जो हमने मसाला बना रखा है उसे ऐड करेंगे। मसाला को 2 से 3 मिनट आपको लो टू मीडियम फ्लेम में भूनना है और अच्छे से भूनना है, क्योंकि मसाला मेन इंग्रेडिएंट होता है इस रेसिपी के लिए। तो इसे जब तक इससे तेल ना निकलने लगे तब तक आपको भूनना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दीजिए जो मसाला उसमें चिपका हो उसे धोकर, और इसे 2 से 3 मिनट लगातार भूनते रहिए आप। एक दो मिनट होने के बाद इसमें पनीर मसाला ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून आपको ऐड करना है बड़े टेबलस्पून से। तो इसे भी 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। आपको चलाते रहना है क्योंकि मसाला नीचे चिपके ना। उसके बाद हमने जो टमाटर काट रखा है, 2 टमाटर मैंने काट रखा है मीडियम साइज का, उसे ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद तुरंत बाद आपको नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने से क्या होगा कि टमाटर जो है वो जल्दी गलता है और अच्छे से पेस्ट प्यूरी टाइप का बन जाता है। तो इसे भी 2 से 3 मिनट आपको और भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम में। मसाला हमारा भून चुका है। मैंने 2 तेज़पत्ता भी ऐड कर दिया है इसमें। तेज़पत्ता ऐड करने से क्या होगा कि टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। और जो हमने सब्जी जो भून कर रखा है उसे ऐड कर देंगे मसाले में। और मसाला में ऐड करने के बाद इसे 1-2 मिनट और भूनेंगे। भूनने के बाद आपको कितना पानी और कितना कंसिस्टेंसी रखना है अपने सब्जी का, पनीर का, आप उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए। मैं 1 लीटर के लगभग ऐड करूँगी पानी, क्योंकि मुझे लटपट रखना है। आप ग्रेवी ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। तो आप जितना रखना चाहते हैं उतना ही रखिए। मैं थोड़ा कम रखूँगी, लटपट रखूँगी, ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी। तो चलिए, हमारा सब्जी जो भून रहा है इसे 2-3 मिनट और भूनने के बाद पानी ऐड करेंगे। हमारा जो मसाला है वो अच्छे से रेडी हो चुका है और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 1 लीटर के लगभग मैंने पानी ऐड किया है। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में मैं बॉईल करूंगी। जब इसमें अच्छा सा उबाल आने लगे, बॉईल होने लगे, जो मसाला है ऊपर में तेल आ जाए, इसके ऊपर देखिए तेल आ रहा है, मतलब मसाला जो है हमारा अच्छे से भून चुका है। तो हमारा देखिए आपको ऊपर में तेल नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब इंडिकेशन होता है कि आपका जो मसाला है वो परफेक्टली भुना गया है। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से बॉईल आ रहा है। उसके बाद जो हमने पनीर को फ्राई कर रखा है उसे ऐड करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए आपको मीडियम टू हाई फ्लेम में बॉईल करना है, अच्छे से पकने देना है। तभी उसका जो रस है वो पनीर के अंदर जाएगा। उसका रस अंदर जाने के बाद ही पनीर थोड़ा अच्छा टेस्ट लगेगा खाने में। तो आपको 3 से 4 मिनट इसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम में रखना है। और देखिए हमारा जो सब्जी है वो परफेक्टली रेडी हो चुका है खाने के लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और प्लीज़ आप इसे बनाकर एक बार ज़रूर खाएँ, ये बहुत अनोखा तरीका है मैंने बनाया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।